आज का वीडियो बहुत ही दुख के साथ बना रहा हूं। इस समय हमारे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में यूपी टीजीटी 2016 और 2021 के जितने भी भाई बहन हैं वो कंटिन्यू लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारा जो वेटिंग लिस्ट में नाम है, जब शासन का आदेश हो चुका है, हाई कोर्ट का आदेश हो गया है, तो आप लोग ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा रहे हैं, आप लोग काउंसलिंग क्यों नहीं करा रहे हैं, ये सरकार से मांग है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार अनशन जो हमारा चल रहा है, आप लोग की संख्या कम से कम 2 से 3 हजारों के बीच में है। 2016 और 2021 को यदि मिला दिया जाए, नौकरी सबको लेना है, लेकिन धरना स्थल पर बहुत ही कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हमारे जो सबके प्रिय हैं धर्मेंद्र पांडे जी ने, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, जैसे ही उनका स्वास्थ्य सही होगा वो तुरंत धरना स्थल पर पहुंचेंगे। आप लोगों से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग धरना स्थल पर पहुंचें, प्रयागराज शिक्षा निर्देशालय पर। मैं छोटी सी वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इतनी धूप में मात्र कुछ ही हमारे भाई बहन इस वेटिंग लिस्ट को क्लियर कराने में लगे हुए हैं। आप लोग एक दूसरे को सोच रहे हैं कि हमारा दोस्त चला जाएगा तो हमको न्यूज मिल जाएगी। दोस्तों, वह समय चला गया, अब यह मात्र लास्ट समय है, क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मात्र सरकार को ज्वाइनिंग देना है। यदि आप लोग अभी एक्टिव नहीं होंगे और अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, इस मानता हूँ गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, लेकिन यदि आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो ये गर्मी और ये धूप आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आप घरों से निकलिए, मेरा आग्रह है, मेरा वीडियो बनाने का मात्र उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारे भाई बहन हैं उनका सहयोग दें, उनके साथ खड़े हों। दोस्तों, मैं बहुत जल्द ही 9 या 10 जून को पहुंचता हूं धरना स्थल पर और वहां से मैं आपको सारी अपडेट दूंगा, लेकिन आप लोग को भी पहुंचना है जल्द से जल्द धरना स्थल पर। जो धरना स्थल का एड्रेस है वो प्रयागराज में शिक्षा निर्देशालय, आप सिविल लाइन के पास जाइएगा और आप जितने भी हमारे भाई बहन वहाँ बैठे अनशन पर, जो क्रमिक अनशन चल रहा है, वहाँ पर सहयोग दीजिए। धन्यवाद। बंद करो, झूठा आश्वासन देना बंद करो, बंद करो।
नहीं चलेगी, वादा खिलाफी।